कहानी का शुरुआत में दो अनाथ भाई सैम और नैट बोस्टन संग्रहालय से मैगलन अभियान के बाद बनाए गए नक्शे को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। उनकी तीसरी बार हुई गलती के कारण उनके अनाथालय ने उन्हें बाहर निकालने का फैसला करती है। तभी सैम अपने दम पर बाहर निकलने से पहले नैट से वादा करता है कि वह उसे मिलने वापस जरूर आएगा और उसे अपने पूर्वज सर फ्रांसिस ड्रेक में बारे में बता के उसको एक अंगूठी दे जाता है और उसको संभाल के रखने के लिए बोल कर जाता है। 15 साल बाद नैट न्यूयॉर्क शहर में बारटेंडर के रूप में काम करता है और सही समय पर अमीर लोगों से पिकपॉकेट भी करता है। वहीं पर सुली एक ट्रेजर हंटर आता है और वो बताता है जो मैगलन दल द्वारा छिपाए गए सैम ट्रैकिंग खजाने के साथ काम करता था। नैट को बताता है कि सैम जुआन सेबेस्टियन एल्कानो की डायरी चोरी करने में उसकी मदद करने के बाद सैम कहीं गायब हो जाता है। तभी नैट सैम से पोस्टकार्ड लेना बंद कर देता है और सुली को उसे खोजने में मदद करने के लिए मान जाता है। उसके दूसरे दिन सुली और नैट मैगलन क्रू से जुड़े एक गोल्डन क्रॉस को चुराने के लिए नीलामी में जाते हैं, जहां वे मोनकाडा परिवार के आखिरी बंसत सैंटियागो मोनकाडा और मोनकाडा के भाड़े के नेताओं के नेता जो ब्रैडॉक से मिलते हैं। ब्रैडॉक के आदमियों नैट पर हमला करते हैं और नैट सबको लड़ाई में उलझाए रखता है ताकि सुली सही समय पर क्रॉस को चुरा के भाग सके और दोनों इसमें सफल होते हैं। दोनों स्पेन का बार्सिलोना की तरफ यात्रा करते हैं जहां खजाना होने का माना जाता है और सुली के संपर्क क्लो फ्रेजर के साथ मिलनसार है जिसके पास एक और क्रॉस है। इस बीच मोनकाडा अपने पिता को मना करता है कि सारा दौलत दान ना करे, लेकिन उसके पिता अपने जिद में कायम रहते हैं। ब्रैडॉक ने अपने पिता को मरवा देता है ताकि वह इसके बदले सारा पैसा ले सके। नैट क्लो और सुली एल्कानो की डायरी में सांता मारिया डेल पाई के सुरागों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेदी के पीछे एक गुप्त तहखाना ढूंढते हैं। नैट और क्लो अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे इसे खोलने की कोशिश करते हैं तहखाना पानी से भर जाता है। तभी ब्रैडॉक घात लगाकर सुली पर हमला करते हैं। फिर भी सुली दूसरे चाबी के मदद से उन्हें बाहर निकलने में मदद करता है। एक गुप्त मार्ग को अनलॉक करने के लिए दो क्रॉस का उपयोग करते हुए नैट और क्लो को एक नक्शा मिलता है जिसमें दिखाया गया है कि खजाना फिलीपींस में है। क्लो ने नैट को धोखा देके नक्शा लेके मोनकाडा को दे देता है और सैम के बारे में भी बता जाता है। सुली नैट को समझाता है और कहता है कि जब उसने और सैम ने एल्कानो की डायरी बरामद की तो ब्रैडॉक ने उन पर हमला कर दिया था। तभी सैम को गोली मार दी गई और सुली बाल बाल बच गया था और वो सैम को बचा ना सका। क्लो और ब्रैडॉक की टीम खजाने को खोजने के लिए एक कार्गो विमान में रवाना होती है, लेकिन ब्रैडॉक ने ऑपरेशन पर नियंत्रण पाने के लिए मोकाडा को धोखा दिया और मार डाला। नैट और सुली विमान में छुपे होते हैं। सही समय देखकर नैट अपनी भाई सैम का बदला लेने के लिए ब्रैडॉक का सामना करता है। क्लो जो ब्रैडॉक से छिपा हुआ था वो सुली नैट से मिल जाता है और मिलके लड़ाई करते हैं। सुली नक्शे के साथ पैराशूट लेके प्लेन से बाहर कूद जाता है, जबकि नैट और क्लो फिलीपींस में कूद जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि नक्शा के अनुसार खजाने कहीं और थे। सैम के पोस्टकार्ड द्वारा छोड़े गए छुपे हुए संकेतों के माध्यम से नैट को खजाने की सही स्थिति का पता चलता है, लेकिन क्लो की वफादारी पर उसको संदेह होता है, इसीलिए नैट क्लो को नकली दिशा देता है। नैट को मैगलन जहाजों के साथ खजाना भी मिल जाता है। तभी सुली भी वहीं पर आ जाता है। ब्रैडॉक उनका पीछा करते हुए मैगलन जहाजों देख लेता है। नैट और सुली जहाज में ही छिप जाते हैं। ब्रैडॉक अपनी साथी के मदद से दोनों जहाजों को एयरलिफ्ट करती है। उसी समय नैट और सुली बाहर निकल के फाइट करते हैं।
सुली एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करके चलाता है और ब्रैडॉक एक अन्य हेलीकॉप्टर में होता है। नैट अपने भाड़े के सैनिकों और स्थानीय फिलिपिनो मिलिशिया से खुद का बचाव करता है और जहाज के तोपों को इस्तेमाल करके दूसरे हेलीकॉप्टर को मार गिराता है। तभी ब्रैडॉक चालाकी से उस जहाज के लंगर को नीचे गिरा के जहाज को अटका देता है। खुद को बचाने के लिए सही समय पर नैट हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, लेकिन पीछे से ब्रैडॉक नैट को पकड़ लेती है। नैट को बचाने के लिए सुली ब्रैडॉक के ऊपर खजाने से भरा एक बैग फेंकता है। ब्रैडॉक समुद्र में गिर जाता है और जब जहाज उस पर गिरता है तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन तभी नौसेना भी आ जाता है, इसीलिए इन दोनों को भी भागना पड़ता है। नैट और सुली जेबख्तरे वाले खजाने के कुछ टुकड़े लेकर भाग जाते हैं, जबकि क्लो खाली हाथ रह जाती है क्योंकि वह दोनों का पीछा करती है। इसी बीच एक कैदी को दिखाया जाता है और वो सैम होता है, जबकि वो मरा नहीं था। सैम नैट को एक और पोस्टकार्ड लिखता है और उसमें संभल कर रहने को बोलता है। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।